पिंकी, कुछ गुंडे मेरा वहां पीछा कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज। आपका हम सफर आपकी जिंदगी में आज ही आने वाला है। चुप। मैं सलीमपुर कैसे पहुंचूंगी? सुनिए, ये कहां वीराने में फंस गई। दूर दूर कोई दिख नहीं रहा है। मुझे बचा के बिना कुछ बोले चला गया। सुनिए, वो गाड़ी में सामान पड़ा, निकाल लो। इधर परजाई जी, जी गीत का उसको बुला के लाना। जा जल्दी, जा जल्दी। ये बिल्कुल। हाँ रजी, मैं तुझे ही बुलाने वाला था। गीत के अभी भी मुझसे नाराज है। जीजू, गीत तो आपके साथ में थी ना। रज्जी मजाक मत करो, गीत तो तुम्हारे साथ थी ना। नहीं जीजू, मेले में से तो वो आपके साथ आपकी गाड़ी में आई थी ना। रज्जी, गीत किथे है? बुलाना। ये कहाँ है रज्जी? गीत किथे है? दादी, वो गीत ही गलती से मेले में छूट गई। सॉरी, एक्चुअली डर गई थी इसलिए। मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए था, आपने उस वक्त मेरी मदद की ना। जाओ यहाँ। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो दरअसल थोड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे सलीमपुर जाना है और मेरे पास जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। प्लीज क्या आप मुझे वहां तक? लोगों की मदद करने का इतना शौक होता मुझे तो मैं शहर छोड़ के जंगल में नहीं रह रहा होता। पर मेरा पहुंचना बहुत जरूरी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें लेके जाऊं, समझे? जाओ यहां से। सुनिए प्लीज, क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मदद मांगू तो किससे मांगू? कितनी मुश्किल हो सकती है। हैंडल की जगह पे स्टीयरिंग व्हील पकड़ना है। ब्रेक लगाओ। ब्रेक कहाँ दी है? क्या करो? बचाओ। ठीक तो हो? चुप हो जाओ, अभी को सब बोल दो। मैं चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो जीप से उतार दूंगा। अंकल जी, आपका सेलफोन आप ही के पास है ना? हाँ जी, मेरे पास ही है। हो सकता है गीत उस पर कॉल करे, पर अभी तक तो कोई फोन नहीं आया जी। इतनी बड़ी हो गई अकल, दो पैसे की उसमें। मोबाइल है, वो मैं सोच रही थी घर पे फोन कर दूं, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। अंकल जी, हाँ जी, ये बस गुरुद्वारा से ही आ रही है ना? हाँ जी, हाँ वहीं से आ रही है। हो सकता है इसमें गीत हो। गीत, गीत, क्या हुआ पाजी? इसको ढूंढ रहे हो? गीत कुछ नहीं। ओए चलो, ओए निकाल गाड़ी। रोकने से पहले एक बार पूछ लेता तो इतना समय बर्बाद नहीं होता। हमारे घरों की लड़कियां सरकारी बसों में पराए मर्दों के साथ नहीं सफर करती हैं, और वो भी अकेली। और गीत इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो ऐसा करती तो मैं उसकी टांगे तोड़ के उसके हाथ में दे देता। देखिए, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं ऐसी मुश्किल में थी कि मुझे आपकी मदद मांगनी पड़ी। देखिए, अगर दिन छिपने तक मैं सलीमपुर नहीं पहुँची तो पृथ्वीवीर जी और दारजी ने तो मेरी जान ले लेनी है। पापा भी परेशान हो रहे होंगे और माँ तो रो रो के पागल हो गई होंगी। मैंने तुम्हें तुम्हारी बकवास सुनने के लिए जीप पे नहीं बैठा कर रखा है। मैं तो अभी कौशल बोला तो कुछ नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं हुआ? मेरी वजह से ही हुआ होगा। वो टेंथ गिरते वक्त आपको लग गई होगी। मैं साफ कर देती हूँ। उतरो। जी? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जीप से नीचे उतरो। देखिए, मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी से नीचे उतरो। देखिए, आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। मैं कैसे पहुंचूंगी? तुम पहुंचो या ना पहुंचो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला नहीं। जब तक तुम खुद अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम यूं ही डर डर के चिढ़ोगे, समझे? सुनिए, सुनिए। वीर जी, मुझे पता नहीं चला आप लोग। पता नहीं चला तुझे? गीत, तुम ठीक तो हो ना? ओए, हमें बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कोई और वक्त होता ना, मैं तुझे माफ नहीं करता। जब देव जी को कोई एतराज नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये कहां से आया? ये लो तावीज, आपका हम सफर आपकी जिंदगी में आज ही आने वाला है। मेरे लिए भी कुछ नहीं खरीदा ना।